गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम चैप्टर 3 में जो पार्ट पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे क्रीपर्स की। चलिए, अपनी साइंस की बुक ओपन करिए और चैप्टर 3 प्लांट एंड देयर लाइफ में यहाँ पर हेडिंग में आइए क्रीपर्स में। क्रीपर्स क्या होते हैं बच्चों? क्रीपर्स, द प्लांट विच क्रीप ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स होता है रेंगना। जो प्लांट, जो पौधे जो होते हैं ग्राउंड, जमीन पर रेंगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स। एग्जाम्पल, पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर आर क्रीपर्स। जो जैसे कि कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, खीरा, ये सब क्या है? क्रीपर्स हैं। ये ज़मीन पर रेंगते हैं और उन पर आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव में रहते हैं वो देखते होंगे कि अगर उनके घर पर कोई सब्जियां लगी हुई हैं जैसे खीरा, कद्दू, तो इनकी जो बेलें होती हैं वो नीचे तक फैली रहती हैं और उन पर क्या होता है, कहीं पर वाटरमेलन, कद्दू और ये सब लगे होते हैं। तो दिस प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। ये प्लांट जो होता है सीधे खड़े नहीं हो सकते। दे हैव सॉफ्ट थिन एंड वीक स्टेम्स। इनका जो तना होता है वो हल्का, पतला और कमज़ोर होता है। दिस प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। ये प्लांट सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका तना जो है वो पतला, कमज़ोर होता है। नेक्स्ट, जैसे कि देखिए, आपके ये पम्पकिन क्रीपर्स हैं, इस तरह से बेलें फैली रहती हैं, आपने देखा होगा कद्दू की, नीचे तक बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उन पर कद्दू लगे होते हैं, बड़े बड़े कद्दू आते हैं उन पर, उन्हें कहते हैं पम्पकिन। नेक्स्ट है आपका वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है बच्चों? तरबूज। ये तरबूज की बेलें हैं। देखिए इनका जो ये तना है, ये जो तना है ये बहुत कमज़ोर है और ये सीधा नहीं खड़ा हो सकता। ये इनकी स्टेम ब्रांचेस हैं, ठीक है? तो ये क्या आपका, ये खड़ा नहीं हो सकता, वो इतना वेट नहीं ले सकता इस तरबूज का। तो ये नीचे पड़ी रहती हैं और रेंगती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं इसी तरह से। तो इनको क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं इस तरह के पौधे क्रीपर्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? चढ़ने। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब मीन्स क्या होता है आपका बच्चों? चढ़ना। सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू इरेक्ट। कुछ प्लांट्स को खड़े होने, सीधा खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत होती है। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं आपके? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। दिस प्लांट्स क्लाइंब ऑन वॉल्स और अदर प्लांट्स। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दूसरे पौधों का सहारा लेके या दीवार का सहारा लेके ऊपर की ओर चढ़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि आपके घर में मनी प्लांट ज़्यादातर बच्चों के घर में लगा हुआ है, तो मनी प्लांट क्या होता है, उसमें जो है इस तरह की शाखाएं निकल आती हैं जो दीवार को जकड़ लेती हैं और वो क्या होता है, दीवार से सहारे सहारे ऊपर 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 चढ़ती रहती है, ठीक है? जैसे कि ग्रेपवाइन जो होती है, अंगूर की बेलें जो होती हैं, अंगूर की बेलें भी इसी तरह की होती हैं। वो क्या होती हैं आपकी, किसी सहारे से लकड़ी लगा दो आप तो, या सीधा डंडा या कोई वॉल अलग से लगा दो तो उसके साथ 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 ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? क्लाइंबर्स। क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। कुकुम्बर, बीन्स, पीस, मनी प्लांट्स एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। मनी प्लांट आप सबने देखा ही है, ये सब भी क्या है आपकी? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए ये ग्रेपवाइन की मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है। देखिए आपने यहाँ सहारा लगा रखा तो ये ऊपर की ओर चढ़ती जा रही है बेले। मनी प्लांट देखिए बीच में एक सहारा हमने सपोर्ट लगा रखा है, और ये पढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट्स ऑफ द हिल्स एंड माउंटेंस। हिल्स मतलब पहाड़ियों और माउंटेंस मतलब जो पहाड़ियाँ होती हैं और चोटियाँ जो होती हैं उनके प्लांट्स किस तरह के होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन द कोल्ड हिली एरियाज ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। जो प्लांट्स हिली स्टेशन मतलब जहाँ हिली स्टेशन जहाँ पर पहाड़ियाँ और ऊंचाइयों पर होते हैं वो क्या कहते हैं? सीधे, लंबे और सीधे होते हैं। लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज आर निडल शेप्ड, दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स। इनकी लीव्स जो होती हैं वो सुई की तरह से नुकीली होती हैं और इनको कॉनिफर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कॉनिफर्स। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन। ज़्यादातर जो कॉनिफर्स होती हैं वो हमेशा हरी रहती हैं।
इट मीन्स दैट दे हैव लीव्स ऑल द टाइम, मतलब कि इन पे मतलब साल में पूरे साल में जो जितने भी महीने होते हैं उन सब टाइम पर इन पेड़ों पर हमेशा लीफ मिलेंगी ही मिलेंगी, जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉनिफर्स कहा जाता है। सम ऑफ कॉमन माउंटेन प्लांट्स आर ट्रीज आर पाइन, फिर जूनिपर, स्प्रूस, सेडर। तो इनमें से कौन से मुख्य प्लांट हैं आपके, पाइन, फिर जूनिपर और बाकी स्प्रूस एंड सेडर जो है आपके, ये क्या है, हिली एंड माउंटेन प्लांट है। देखिए ये यहाँ पर सेडर की फुल फॉर्म, सेडर का पेड़ बना हुआ है, जूनिपर का, पाइन का, फर का, तो ये आपके चार पेड़ बने हुए हैं जो कि हिली और माउंटेन एरियाज पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। जब आप हिली एरिया पे जाते हो तो आपने इस तरह के पेड़ देखे होंगे ना, देखिए आपने इस तरह के पेड़ देखे रहते हैं ज़्यादातर बच्चों ने, तो ये क्या होता है, हिली एंड माउंटेन एरियाज पे ज़्यादातर मिलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर भी दिखा रही हूँ आपको, पाइन ट्री इस तरह का होता है, कुछ पाइन ट्री है ये आपका, इस तरह का पाइन ट्री होता है। नेक्स्ट आपका देख फर ट्री, आप देखिए क्रिसमस में जो पेड़ लगाते हैं वो फर ट्री होता है, इस तरह का क्रिसमस ट्री होता है, और इनमें जो ये पत्तियाँ होती हैं ये नुकीली होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये निडल की तरह से नुकीली होती है और साल भर हरी रहती है, इनको कहते हैं कॉनिफर। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे का पार्ट में हम पार्ट 5 में देखेंगे।